हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। टुडे इज 10th मार्च 2021 एंड हियर वी विल डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस फ्रॉम द 10th मार्च 2021। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सो दोज हु आर न्यू इन आवर चैनल, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द कंटेंट इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू कम अप विथ द जेंडर बजट कंसेप्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू कम अप विथ द जेंडर बजट कंसेप्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट टू कम अप विथ द जेंडर बजट कंसेप्ट। आंध्र प्रदेश विल बी द फर्स्ट इन द कंट्री टू कम अप विथ जेंडर बजट कंसेप्ट। CM जगन मोहन रेड्डी। हु इज द CM? जगन मोहन रेड्डी द आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर। YS जगन मोहन रेड्डी हैड सेड डैट देयर स्टेट विल बी द फर्स्ट इन द कंट्री टू कम अप विद द जेंडर बजट कंसेप्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड राइट सफारी इन 3 नेशनल पार्क्स। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड नाइट सफारी इन 3 नेशनल पार्क्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। बांधवगढ़ नेशनल पार्क हैज टू द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स एंड स्पॉटेड डियर्स इन द वर्ल्ड, वेयर द सफारी स्टार्ट एट द बफर जोन फ्रॉम 6:30 PM टू 9:30 PM, डेट इज फ्रॉम इवनिंग टू नाइट 9:30 PM। एंड सेकेंड नेशनल पार्क इज कान्हा नेशनल पार्क, वेयर द सफारी स्टार्ट एट 10:30 PM एंड एंड्स एट 10:30 PM, 7:30 PM टू 10:30 PM। द पार्क हैज ए सीजिबल नंबर ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स एंड हैज बीन द टॉक ऑफ द टाउन सिंस इट वॉज ब्रॉट बैक बारासिंघास विच ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। एंड थर्ड नेशनल पार्क इज पेंच नेशनल पार्क, हैज ए नंबर ऑफ लियोपार्ड्स एंड टाइगर्स, हियर द सफारी इज फ्रॉम 5:30 PM टू 10:30 PM। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज द अक्षय पात्रा ऑल वुमेन आर्ट एग्जीबिशन हैज बीन इनोग्रेटेड। द करेक्ट ऑप्शन इज न्यू दिल्ली। अक्षय पात्रा ऑल वुमेन आर्ट एग्जीबिशन बीन इनोग्रेटेड। सो इन न्यू दिल्ली दिस अक्षय पात्रा आर्ट एग्जीबिशन हैज बीन इनोग्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। All Women Art Exhibition titled as Akshay Patra was inaugurated on March 9, 2021 at the Lalit Kala Academy. Lalit Kala Academy. It is known as the National Academy of Art. It is the National Academy of Fine Arts in India. The Academy is an automation organization which was established in the year 1954 at New Delhi. It was established and founded by the Union Ministry of Culture. It is headquartered at the Ravindra Bhavan, New Delhi. This academy promotes and propagates the understanding of Indian art across the globe. So the correct option is option B, New Delhi. Next question is, recently John Laporta has won the election of the president of which country? The correct option is Barcelona. John Patra has won the election of the president of Barcelona. John Patra has won the Barcelona presidential election by a landslide with more than 54% of the vote. The 58-year-old triumphed over Victor Font, 29.9%. And Tony Freixa has 8.5%, and to gain his second term at the helm,
लपर्टा वॉज प्रीवियसली प्रेजिडेंट ड्यूरिंग वन ऑफ द क्लब्स मोस्ट सक्सेसफुल पीरियड्स, अर्निंग 12 ट्रॉफीज बिटवीन 2003 टू 2010, इंक्लूडिंग ए फेमस ट्रिप अंडर पेप गार्जियोला एंड विथ लैन मेसी एट टेलिसमैन. सो करेक्ट ऑप्शन इज बार्सिलोना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली पास्ड अवे ईश्वर सिंह देवल वॉज ए फेमस. सो ईश्वर सिंह देवल वॉज ए फेमस एथलीट. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी एथलीट. चेन गप्पा करियप्पा एस एथलीट एंड फॉर्मर रिसिपिएंट ऑफ द ध्यानचंद नेशनल अवार्ड फॉर स्पोर्टिंग एक्सीलेंस ईश्वर सिंह देवल पास्ड अवे एट द एज ऑफ 91 ऑन सैटरडे. ड्यूरिंग हिज एथलीट करियर ईश्वर सिंह देवल वोन मेडल्स बोथ फॉर हिज होम स्टेट ऑफ पंजाब एंड इंडिया एट सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ईश्वर सिंह दयाल वाज ए फेमस एथलीट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्लीनमार्क फार्मा. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी रोहित शर्मा. रोहित शर्मा हैज मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्लीनमार्क फार्मा. ड्रग मेजर ग्लीनमार्क फार्मा ऑन फ्राइडे said it has signed a cricketer Rohit Sharma as the brand ambassador for its product Candid Powder. Sharma has officially signed on the represent Glenmark's Candid Powder, a legacy brand of the company's consumer care divisions. The company said in a statement, Sharma will be the official face of the brand as part of its 360-degree communication. Glenmark said, Candid Powder brand is a market leader in its category with a market share of 64% in the medicated powder category. Glenmark's Candid dusting powder is used to treat four key skin problems of redness, irritation, sweat rash and fungal infection. Shares of Glenmark Pharma were trading 0.3% lower at Rs. 472.40 apiece on the BSE. The correct option is Rohit Sharma. Next question is, which country's president has won the African Leadership Award? The correct option is option C, Niger. Niger country president has won the African Leadership style. Correct option is option C, Niger. Yaudin Cameroon, Niger's president at Mahamudu Issoufou on Monday won the 2020 Ibrahim Prize for the achievement in African leadership. Issoufou is the sixth recipient of the Ibrahim Prize, which is awarded on criteria of good governance, democratic election and respect of terms limit in the face of the most severe politics and economics issues, including violence extremes and increasing desertifications. President Mahmoud Issoufou has led his people on a path of progress, said Festu Mogae, has the headquarters of the prize committee and former president of Botswana. The correct option is option C, Niger. Next question is, which state chief minister has resigned recently? The correct option is option B, Uttarakhand. Uttarakhand state chief minister has resigned recently. Who was the chief minister of state Uttarakhand? Trivendra Singh Rawat. Uttarakhand chief minister Trivendra Singh Rawat resigned on Tuesday, and former Chhattisgarh chief minister Raman Singh and Rajya Sabha member Dushyant Gautam, sent by the BJP national leadership as observed to Dehradun, will conduct a meeting of the legislature party on Wednesday morning to elect a new leader who will take over as chief minister. The correct option is option B, Uttarakhand. Next question is, recently the
फॉर्मर गवर्नर ऑन विच स्टेट अंशुमान सिंह हैज पास्ड अवे. द फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट अंशुमान सिंह, यू ऑलरेडी नो द अंशुमान सिंह वॉज द गवर्नर ऑफ राजस्थान. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, राजस्थान. फॉर्मर राजस्थान गवर्नर अंशुमान सिंह पास्ड अवे एट द संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन लखनऊ ऑन मंडे एट द एज ऑफ 86. उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, राजस्थान गवर्नर कलराज मिश्रा एंड राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत एक्सप्रेस ग्रीफ ओवर हिज डेथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो दिस इज द पिक्टोरियल इमेज ऑफ द गवर्नर विच हैज बीन पास्ड अवे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली द रेलवे हैज मर्ज्ड ऑल द हेल्पलाइन नंबर्स इनटू विच नंबर. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 139. 139 हैज मर्ज्ड ऑल द हेल्पलाइन नंबर्स इनटू 139 नंबर्स. इट विल बी अवेलेबल इन 12 लैंग्वेजेस. हाउ मेनी लैंग्वेजेस? 12 लैंग्वेजेस. एंड पैसेंजर्स कैन आइदर ऑप्शन ऑप्टेड फॉर IVRS और कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू ऑल कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स. द रेलवेज ऑन मंडे अनाउंस्ड द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल रेलवेज हेल्पलाइंस इनटू ए सिंगल नंबर 139 फॉर ऑल ट्रेन ट्रेवल रिलेटेड क्वेरीज एंड कंप्लेंट्स इंक्लूडिंग स्पीकिंग विथ ए कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव, सिक्योरिटी एंड मेडिकल असिस्टेंट्स, फेयर इंक्वायरी, मील बुकिंग एंड स्टेटस ऑफ कंप्लेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट प्रेजिडेंट रामनाथ गोविंद हैज इनॉग्रेटेड द कंजर्वेशन वर्क ऑफ द सिंगोरगढ़ फोर्ट. रामनाथ गोविंद हैज इनॉग्रेटेड द कंजर्वेशन वर्क ऑफ द सिंगोरगढ़ फोर्ट. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश. सो सिंगोरगढ़ फोर्ट इज वेयर इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ गोविंद हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द कंजर्वेशन वर्क ऑफ सिंगोरगढ़ फोर्ट इन सिंग्रामपुर विलेज ऑफ डमोह डिस्ट्रिक्ट एट मध्य प्रदेश. ही ऑल्सो इनोग्रेटेड द न्यूली काप जबलपुर सर्कल्स ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज लॉन्च द वोमेन विल वेब प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट वोमेन. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, गूगल. गूगल हैज लॉन्च द वोमेन विल वेब प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट वोमेन. गूगल INC, दैट इज गूगल इंडिया. गैंट गूगल सेड इट विल सपोर्ट 1 million रूरल वोमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया टू हेल्प देम परस्यू देयर एम्बिशंस एंड इम्प्रूव देयर लाइवलीहुड्स. गूगल विल इम्प्लीमेंट दिस थ्रू द वोमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च एट द वर्चुअल गूगल फॉर इंडिया इवेंट ऑन 8 March on the occasion of International Women's Day. Next question is, in which state vaccination centers have been established for women only? For women only. Correct option is option C, Maharashtra. Maharashtra has vaccination center established for women only. Maharashtra Health Department started 5 special women vaccination centers in each district of Maharashtra on the occasion of International Women's Day. Corona preventive vaccination is underway in the state. Today, on the occasion of Women's Day, 5 special vaccination center for women has been started in each district. Vaccination is only available to local women. A total of 189 such women special centers are functioning in the state, out of which one center is in the Thane district. Correct option is option C. Next question is, which medal has been won by Bajrang Punia in Matao Pelicon World Ranking Series. The correct option is option B, gold. Option B is gold. Gold has been won by Bajrang Punia in Matao Pelicon World Ranking Series. Tokyo-born Indian wrestler Bajrang Punia pulled off a two-pointer in the last 30 seconds of the gold medal bout to defend his title at the Matao Pelicon Ranking Series event, a result that
pushed him back to a world number of one rank. Next question is, according to the recently released CPVC estimates, where are the most contaminated sites? The correct option is option A, Odisha. Odisha topped the list of states and union territories with the maximum number of contaminated sites according to the Central Pollution Board CPVC data. On the 112 sites in India contaminated by toxic and hazardous substances, 23 were in Odisha, followed by Uttar Pradesh and Delhi. The CPVC data released on March 7, 2020 said contaminated sites are delineated areas in which constituents and characteristics of the toxic hazardous substances caused by human exist at level and in condition which pose existing or immediate threats to human health and the environment according to the Union Environment Gallery. So these are the total 15 questions. So one question is for you, where has the GI festival inaugurated recently? GI festival been inaugurated recently. The correct option is option B, Mussoorie. Mussoorie is a railway station and a municipal board in the Dehradun district of the Indian state of Uttarakhand. It is about 35 kilometers from the state capital of Dehradun and 290 kilometers north of the national capital of New Delhi. The hill station is in the foothills of the Garhwal Himalayan range. The adjoining tower of Landlord, which includes a military cantonment, is considered part of Great Mussoorie, as are the township of Barlogans and Jharipani. So these are the all important questions. And one question is for you, where is India's first forest medicine center opened? So the answer will be given in the next video. So thank you everyone for watching this video. You can download the PDF of this video into the description box. Thank you everyone.